Hello everyone, how are you? Myself Omin Zameer and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with introduction to analytical chemistry part 7 video. अगर आपने part 1 to part 7, part 6 video नहीं देखा है तो first see that video, then start with this video. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग समझने वाले हैं what is stoichiometric calculation और stoichiometric calculation किया कैसे जाता है, right now? Now, what is stoichiometric calculation? Stoichiometric calculation, right? Stoichiometric calculation. तो बहुत सिंपल है. It is a calculation which is based on balanced chemical equation. मतलब क्या करना है? ये calculation को करने के लिए first हम लोग question में जो भी balanced chemical जो भी equation दी गई है, वो equation लिखेंगे, उसको balance करेंगे. और वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. तो ऐसे कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं, राइट? तो कैसे करेंगे तो हम लोग देखेंगे, राइट? तो चलिए तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. तो इट इज अ कैलकुलेशन विच इज बेस्ड ऑन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, राइट? Now let's start with the problem number 2.11. What is given over here? Calculate the mass of carbon dioxide and water form on complete combustion of 24 gram of methane gas. Atomic masses are given. That is 12 carbon के लिए, hydrogen के लिए 1 लिखा हुआ है, O के लिए 16 लिखा हुआ है, right? तो पहले हम लोग given लिखेंगे. तो given में ये वाला part पूरा as it is आ जाएगा. चाहिए तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं गिवन, राइट? आपका एटॉमिक मासेस ये गिवन में, साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ मीथेन दिया हुआ है, राइट? मीथेन दिया हुआ है, कितना दिया है, 24 ग्राम. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर फॉर्म इन द रिएक्शन, राइट? ये हो गया गिवन. पहला हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे. चलो इक्वेशन लिखते हैं. तो इक्वेशन जो है हमारी कौन सी है, क्या बोला है वो हम लोग फॉलो करेंगे. बहुत सिंपल है. आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना उसका यूज करके आप खुद ही इक्वेशन बना सकते हैं. आपको क्या बोला है, कंबशन करने बोला है. क्या करने बोला है, कंबशन. किसका, मीथेन का. मीथेन का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, CH4. कंबशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. कंबशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से कंबशन इज व्हाट, हीटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कंबशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एक्चुअली होता क्या, इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर क्या करेंगे, हीट करेंगे, जलाएंगे उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है. इस प्रोसेस को हम लोग कंबशन प्रोसेस बोलते हैं, राइट ना? तो हीटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एज कंबशन. और नहीं भी अगर पता होता तो मेरे को यहां बोला है मीथेन. मीथेन का क्या करने बोला है, ऑक्सी कंबशन करने बोला है, मतलब उसमें ऑक्सीजन डालना है, मैंने डाल दिया. क्या वाला बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो लिख दिया, राइट ना? नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. मैंने आपको बोला था कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन को सबसे इजी तरीका होता है बैलेंस करने का, ऑड को इवन करने का. क्या करने का, ऑड नंबर को इवन करने का. तो पूरी इक्वेशन में यहाँ पे ऑड नंबर दिख रहा है, उसको इवन कर लो. ये ऑड नंबर है तो उसको इवन करने के लिए टू लगा दिया, राइट? एच बैलेंस हो गया, ये फोर बैलेंस है, कार्बन इज बैलेंस. खाली ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, मतलब राइट साइड में प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन चार है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो है, तो यहाँ पे टू लगाएंगे, राइट ना? तो वी गॉट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. समझा? ओके. नाउ अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, हम लोग सबके मासेस निकालेंगे. सबके क्या करेंगे, मासेस, क्योंकि हम लोग को मासेस चाहिए. तो हम लोग मासेस का जो इक्वेशन की मासेस है उसको रिलेट करेंगे किससे, जो क्वेश्चन वाला मास है उसको रिलेट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो यहां पर व्हाट इज द मास ऑफ दिस मीथेन, कार्बन कितना होता है, 12 प्लस एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, हाउ टू फाइंड आउट मोलार मास, मॉलिकुलर मास, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हूं. तो चैप्टर नंबर 1 में
बताया हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं है मेरा वीडियो तो आपको समझना है, बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखना है, कार्बन की वैल्यू कितनी है 12, एलिमेंट्स के बीच में क्या करेंगे प्लस डालेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 1, कितनी बार है हाइड्रोजन 4 टाइम्स, तो 4 डाल दिया मैंने, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू गॉट व्हाट 16 ग्राम, राइट ना। तो मास ऑफ मीथेन इज व्हाट 16 ग्राम। आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे तो यू लिखा हुआ है, आप जी कैसे लिख रहे हैं? तो ये एटॉमिक मासेस दिए बेटा, एंड आई हैव टेकन मोलर मासेस। क्या होता है डिफरेंस? तो कोई भी एटॉमिक मास, कोई भी मॉलिक्यूलर मास, कोई भी फॉर्मूला मास दिया होगा वो हमेशा किसमें दिया होगा, उसका यूनिट है यूनिफाइड मास यू। बट अगर आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप जी में लिख सकते हैं, और जी में लिखने के बाद वो बन जाता है मोलार मास। क्या बन जाता है? मोलार मास, राइट ना। तो यू इज इक्वल टू जी होता है, राइट। तो यू की जगह जी लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन 16 होता है। कितनी बार ऑक्सीजन है? 2 बार। यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई कितना है? 2 है। 16 टू 32, 32 टू 64, तो ये कितना हो गया? 64 ग्राम। यस और नो? यहाँ पे बात करते हैं ये कितना है कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा? ऑक्सीजन 16 है मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व करो तो ये आपका आंसर आया 32 हो गया, और ये प्लस 2 है मतलब 44 ग्राम। वाटर की बात करते हैं, एच कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कितना है 16, और इसके ब्रैकेट के बाहर कितने मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये 18 हो गया। 18 रोजा कितना होता है 36 ग्राम। तो हम लोग को ये फाइंड आउट हुआ कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन से 36 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। बस यही चीज को हम लोग यूज करेंगे, रिलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे, राइट। तो कैसे निकालेंगे देखो, बहुत सिंपल है। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, राइट, फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर रहा है बोलो, क्या फॉर्म कर रहा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर क्वेश्चन किसका पूछा है 24 ग्राम के लिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं 24 ग्राम ऑफ मीथेन विल फॉर्म X, इसको इक्वल ले लेते हैं X ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अरे ये सुनो राया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो बहुत इजी है बेटा, सिंपल। इसके लिए इतना है तो इसके लिए कितना रहेगा, ये हमने सब कहां पे किया है? 8, 9, 10 में किया है, राइट। तो रिलेट करना हमको आता है, तो यहां पर क्या होगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन 44 ग्राम बना रहा है, तो 24 ग्राम ऑफ मीथेन कितना बनाएगा? X बनाएगा। तो क्रॉस कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय 16। तो इसको मल्टी, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 4 4 16, 4 6 राइट, 2 2 2 3 2 1 2 11, राइट ना। तो आंसर कितना आएगा आपका 33 ग्राम। देखो बराबर किया मैंने 6 ग्राम, आई थिंक मिस्टेक किया कुछ, रिपीट करते हैं हम लोग, मेरे को लग रहा है मिस्टेक किया मैंने, सॉरी। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 24 मल्टीप्लाई आएगा 44 डिवाइड बाय क्या आएगा 16 आएगा, राइट ना। तो 4 4 4 6 4 1 4 11, तो आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू आएगा कितना आएगा 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे कि therefore 24 ग्राम ऑफ मीथेन फॉर्म्स 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? अब वाटर फाइंड आउट करना है, फिर से रिलेट करो, क्या लिखेंगे फिर से, सेम सेंटेंस आएगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन फॉर्म्स, कितना फॉर्म कर रहे हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर, therefore 24 ग्राम ऑफ मीथेन विल फॉर्म x ग्राम ऑफ वाटर। अरे आ रहा ना, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 24
मल्टीप्लाय बाय 36 डिवाइड बाय 16, 4 4 जा 4 6 जा राइट, 4 1 जा 4 9 जा राइट, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 6 जा कितना होता है 54, 9 6 जा कितना होता है 54 या 6 9 जा 54 ग्राम, 54 ग्राम ऑफ वाटर राइट। तो यहाँ पे आंसर में आएगा देयरफॉर 24 ग्राम ऑफ मीथेन विल फॉर्म 54 ग्राम ऑफ वाटर। अंडरस्टूड, समझा, प्लीज राइट इट डाउन बेटा, लिख लो बेटा। ओके सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 2.12 व्हाट इज गिवन ओवर हियर, क्या दिया हुआ है, हाउ मच CaO विल बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3। अगर आपको 2.11 समझा है तो बेटा ये आप आसानी से कर सकते हैं राइट ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, और अगर जिसका सोल्यूशन आया तो वो आप चैट बॉक्स में सोल्यूशन भेज सकते हैं या फिर आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं डायरेक्टली कि क्या आंसर आएगा राइट ना। बहुत सिंपल है राइट, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। ओके चलो करते हैं हम लोग। गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि मास ऑफ गिवन में यहां पे दिया हुआ है मास ऑफ CaCO3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 ग्राम राइट। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट CaO मास ऑफ, इट इज वेरी सिंपल है, उल्टा हमारे 2.11 से ज्यादा सिंपल है। CaO कितना है तो यहां पर ये पता करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है 3 मार्क के लिए आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है राइट ना। तो कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, क्या बोला है CaCO3 का डिकम्पोजिशन करो। CaCO3 लिया मैंने, CaCO3 लिया, इसको हम लोग क्या करेंगे डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे राइट ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ने के लिए इसको हीट करेंगे, आप अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या बनेगा, जो खुद ही बोल रहा है क्या बनेगा, बोल रहा है कि CaO बनेगा, क्या बनेगा CaO बनेगा। और अगर CaO बना तो क्या बच गया, आप देखेंगे अगर इसमें से CaO निकालूंगा तो क्या बच गया, यहाँ पर CO2 बचा, क्या बचा CO2, और यहां पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोलार मास ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनका मोलार मास फाइंड आउट करेंगे। तो करते हैं, चलो कैल्शियम का मोलार मास कितना होता है 40 होता है, कैल्शियम का मोलार मास कितना होता है 40, प्लस कार्बन कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 राइट। तो 16 मल्टीप्लाई 16 टू 32, 32 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 मतलब क्या हो गया 100 ग्राम है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो गया 100 ग्राम। इसकी बात करते हैं, ये 40 है प्लस ये कितना है 16 है, तो इसका मतलब इसका मास कितना हो गया 56 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मास देखते हैं, ये 12 है सॉरी 12 फिर प्लस आएगा एलिमेंट के बीच में, और इसका कितना है 16, कितनी बार है 2 बार है, तो 16 टू 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44 ग्राम राइट। ये हमने मोलार मास निकले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के राइट ना, इक्वेशन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसका मोलार मास फाइंड आउट किया। नाउ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तो हमको पता है, हम लोग रिलेट करेंगे इसको रिलेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से के 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स या गिव्स राइट कितना 56 ग्राम ऑफ CaO राइट। 100 ग्राम से कितना बन रहा है 56 ग्राम बन रहा है, देयरफॉर क्वेश्चन क्या बोला है 5 ग्राम ऑफ CaO विल फॉर्म कितना बनाएगा, विल फॉर्म x ग्राम ऑफ CaO, क्या बनाएगा 100 x ग्राम बनाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा राइट ना। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा राइट ना। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको इक्वेशन में सॉल्व करो तो क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा राइट ना, नीचे 20 आ गया, 2 1 जा 2 ये कितना हो गया 2 2 जा ये अपना कितना आएगा 56 का हाफ कितना होता है
28, राइट ना, 28 आंसर आएगा, 2 2s ऑफ 4, फिर 16 आ गया, 2 8s ऑफ 16, राइट, 28 डिवाइड बाय नीचे क्या है 10 है, 28 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा, नीचे 1 है ना, ये 2 1s ऑफ 1 आया ना, 1 और 0 मतलब 10, तो 10 28 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा आपका 2.8, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2.8 ग्राम ऑफ CaO, राइट, ये आपका आंसर है, राइट, ये पूछा था आपको कि CaO का मास कितना आएगा, तो 2.8 ग्राम ऑफ CaO, राइट। अब लिखना क्या है, तो आंसर आने के बाद सब आंसर को न्यूमेरिकल कभी भी करोगे तो न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल का आंसर आएगा, तो उसको हाईलाइट करने का और उसको सेंटेंस में लिखने का कि देयरफॉर वी कैन से 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अंडरस्टूड, राइट इट डाउन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 2.13। क्वेश्चन इज व्हाट, क्या क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला दिया है C3H8, आपको प्रोपेन को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लीटर में मतलब वॉल्यूम कितना लगेगा वो आपको पूछा है, राइट। तो गिवन पे लिखते हैं, तो गिवन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, आपको मास ऑफ प्रोपेन दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है गिवन में, मास ऑफ प्रोपेन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोपेन कितना दिया हुआ है 2.2 ग्राम, राइट। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एज आई टोल्ड यू गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आएंगे आपकी, प्रोपेन को बर्न करने बोला है कंप्लीटली, ऑब्वियसली प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है C3H8, इसको बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो ऑब्वियसली लास्ट टाइम की तरह होगा, ये कंबशन रिएक्शन ही है, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा H2O। नाउ बहुत सिंपल है, कार्बन कितने हैं 3 है, H हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, तो यहाँ पे 4 लगा दिया, रिएक्शन में ऑक्सीजन कितने हो गए 2, 3, 6 एंड 4 मतलब 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया 5, सो दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। फिर से वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, पहले इसका मास निकालेंगे, कितना मास आ रहा बेटा, निकाल सकते हैं हम लोग, यस वेरी गुड, ट्राई करो, कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3, एलिमेंट के बीच में प्लस आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और 3 बार तो 3 लिखा मैंने, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 8, राइट, 12, 3 जा 36, 36 प्लस 8 कितना हो गया 44 ग्राम, क्या हो गया 44 ग्राम प्लस, यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग को मास नहीं चाहिए, ऑक्सीजन का क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर, तो हमने पढ़ा है 11th के फर्स्ट चैप्टर में कि एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर होता है, कितना होता है मोलार वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड, हर किसी का एक मोल का अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर या 22.4 DM³ होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस भी है, हमने वो फर्स्ट चैप्टर में देखना है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा कि अगर यूनिट बार है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड यूनिट पहले था ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसमें आपका मोलार वॉल्यूम था 22.4, बट अब जो है क्योंकि बार हो गया है तो अब जो है वो वॉल्यूम मोलार वॉल्यूम कितना हो गया 22.7 हो गया है, कितना हो गया 22.7, बट बिकॉज हमारी बुक में कोई चेंजेस नहीं आया है इसलिए हम लोग फिर फॉर स्टडी पर्पज हम लोग मोलर वॉल्यूम कितना याद रखेंगे 22.4, बट फ्यूचरिस्टिक हम लोग फ्यूचर में कभी कोई पूछेगा कि कितना है मोलर वॉल्यूम तो हम लोग बोलेंगे 22.7, समझा हम लोगों, तो एट प्रेजेंट क्योंकि बुक में चेंज नहीं है तो हम लोग 22.4 यूज करेंगे। तो एक मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है हमको ये मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कितना 22.4 है, राइट, कितनी बार है, कितना मोल है, ये 5 मोल है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 22.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
22.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा? तो 100, 110 एंड 112, तो 112 लीटर आ जाएगा। क्या आएगा? 112 एंड 22 5 का कितना होता है? 22 5 का होता है 110 एंड 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 122 लीटर हो गया। तो यहां से हमको मालूम पड़ा कि 44 ग्राम अगर प्रोपेन बर्न होगा तो उसके लिए कितना रिक्वायर होगा? 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। तो 2.2 ग्राम के लिए कितना लगेगा? फिर से वही रिलेट करेंगे तो लिखेंगे सिंस 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्ड 112 लीटर 112 राइट 112 लीटर ऑफ 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन राइट 112 लीटर ऑक्सीजन के लगेंगे। तो देयरफॉर 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स x लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अरे आया समझ में? अब तो हम लोग एक्सपर्ट बन गए बेटा, राइट ना? बहुत सिंपल है, आना चाहिए राइट। तो x लीटर, तो x की वैल्यू कहेंगे आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x यहां पे आ जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, राइट ना? तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई बाय 2.2 अपॉन 4.4 राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको पॉइंट हटाने के लिए इसको ऐसे लिखता हूं 112 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया और नीचे 10 आ गया, समझा हम लोगों? तो ये इजी हो गया, कितना हो गया? 22 आया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका? इसकी वैल्यू आएंगी x इज इक्वल टू 56 आएंगी, कितनी आएंगी? 56 राइट, 56 डिवाइड बाय 10 यानी इसका मतलब कितना हो गया? 5.6 लीटर राइट ना, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन राइट। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आई? 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे देयरफॉर 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, या फिर पूरा अच्छे से बोलेंगे 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स फॉर बर्निंग रिक्वायर्स व्हाट? 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? लिख लो बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 2.14 जो कि आज का लास्ट प्रॉब्लम होगा राइट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ पीस ऑफ जिंक वेइंग 0.635 ग्राम व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लिबरेटेड 200 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैलकुलेट द परसेंट प्यूरिटी। पहले क्वेश्चन को समझाने से पहले, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन को समझाने से पहले गिवन लिख देता हूं मैं। आपको दिया हुआ है टोटल मास, मास नहीं बोलेंगे, ये टोटल मास है क्योंकि बताऊंगा क्या है। टोटल मास ऑफ जिंक दिया हुआ है, टोटल मास ऑफ जिंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.635 ग्राम। और आपको बोला ये जब इसको ट्रीट करेंगे H2SO4 से तो आपका हाइड्रोजन लिब्रेट होता है, तो हाइड्रोजन जो लिब्रेट होगा वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड कितना दिया हुआ है? 200 cm क्यूब दिया हुआ है, जिसको अगर मैं लीटर में लिखूंगा तो 0.2 dm क्यूब हो जाएगा, यस और नो? और क्या दिया हुआ है? बस और कुछ नहीं दिया हमको, परसेंट प्यूरिटी पता करना है। देखो परसेंट प्यूरिटी का मतलब क्या है? परसेंटेज फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट परसेंट प्यूरिटी, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते? कितना मास है, कितने में से और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर हम लोग को यहां पर क्या होता है, इसके अंदर एक टॉपिक आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। रिएक्शन जब भी लगाते हैं हम लोग तो कभी कभार क्या होता है, रिएक्टेंट्स में एक चीज एक्सेस में रहती है, एक चीज कम होती है। मतलब क्या होता है, अगर चीज जो है वो कम है, मतलब जितनी रिक्वायर्ड उससे कम रहती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट।
और जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। अच्छी तरीके से एग्जांपल का यूज करके मैं इसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो आपको और क्लियर अच्छा से पिक्चर होगा, ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि रिएक्शन में कभी कभार क्या होता है, रिएक्टेंट को जितनी रिक्वायर है उससे कम हम लोग ने ले लिया तो क्या होगा, वो लिमिटिंग कहलाएगा। और अगर एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा, रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल मेरे को अगर कोई चीज एक्स जो है रिएक्शन में ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी जो है, बी समझो रिक्वायर था 10 ग्राम, मैंने लिया 12 ग्राम, तो ऑब्वियसली 2 ग्राम बच जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ है जिंक जो दिया हुआ है, ये जो है जरूरी नहीं कि इतना पूरा लगेगा, जरूरी नहीं कि इतना पूरा लगेगा, हो सकता है इससे कम भी लगे। कैसे मालूम पड़ेगा, तो हम लोग वही करेंगे जैसे हम लोग किए, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि 200 सीएम क्यूब हाइड्रोजन लिब्रेट करने के लिए कितना जिंक लगने वाला है। 200 सीएम क्यूब हाइड्रोजन को लिब्रेट करने के लिए जिंक का रिक्वायरमेंट कितना है, राइट ना। तो देखते हैं कितना है, समझो। तो यहां पे मैं लिखता हूं जिंक प्लस H2SO4 डाला उसके अंदर एक्सेस में, क्या होगा, Zn जाएगा SO4 के पास, एन क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4। और ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या होगा, लिब्रेट हो जाएगा, राइट। ये आपकी इक्वेशन है, इसको हम लोग करते हैं। तो इसका मास कितना है आपका, 65 ग्राम है, जिंक का मास कितना है 65 ग्राम। इसका वॉल्यूम कितना है, तो ये 1 मोल है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 1 मोल है, या फिर मेरे को हाइड्रोजन चाहिए तो उसको डायरेक्ट बात करता हूं, तो ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो रही है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम लग रहा है, कितना वॉल्यूम लिब्रेट हो रहा है, 22.4। तो मैं बोल सकता हूँ 65 ग्राम जिंक को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या होगा, लिब्रेट होगा, यस और नो। तो इसको रिलेट करके हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर, सॉरी सिंस 65 ग्राम ऑफ जिंक लिब्रेट्स कितना, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, देयरफॉर कितना वॉल्यूम दिया ये पता करना ना, तो वॉल्यूम कितना है अपना 0.200, राइट ना, लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस से कितना जिंक रहेगा, तो जिंक क्या एक्स रहेगा, राइट ना, एक्स ग्राम ऑफ जिंक लिब्रेट दिस लेना, तो एक्स ग्राम यहाँ पे लिख दिया मैंने जिंक, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही है क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लिया ये नीचे आ जाएगा, तो 65 × 0.2 / 22.4, राइट। इसको सॉल्व करो बेटा, देखो सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका, मैं पॉइंट को शिफ्ट कर लेता हूँ 65 × 2, और यहाँ पर मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर लिया, 2 हो गया, इसको भी शिफ्ट कर लिया, तो कहेंगे 22.4। तो सॉल्व करो देखो क्या आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है देखो, तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा x इज इक्वल टू आएगा 0.58 ग्राम, क्या आएगा 58 ग्राम ऑफ जिंक, x की वैल्यू कितनी है आपकी 0.58 ग्राम ऑफ जिंक आपको आंसर आया, यस और नो। तो ये क्या मिला, एक्चुअली हम लोग को लगने वाला, मतलब मेरे को ये जो है वो मेरे को इतने ग्राम में से इतने ग्राम एक्चुअली लगेगा, इतना 200 सीएम क्यूब हाइड्रोजन को लिब्रेट करने के लिए, समझा, मतलब इतना पूरा लगेगा नहीं, समझा उन लोगों को, यानी इसका मतलब ये जो दिया हुआ है वो टोटल मास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, टोटल मास। तो देयरफॉर परसेंट कैसे निकालेंगे, देयरफॉर परसेंट प्यूरिटी क्या रहेंगे बेटा, तो परसेंट प्यूरिटी जो मास आया है वो 0.58 डिवाइड बाय 0.635 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा परसेंट प्यूरिटी, करो सॉल्व, परसेंट प्यूरिटी को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा
91.33%, कितना आएगा आपका परसेंट प्योरिटी, 91.33% के आसपास आपका आंसर आएगा, राइट ना। सेंटेंस में हम लिखेंगे कि देयरफॉर द परसेंट प्योरिटी ऑफ जिंक इज व्हाट, 91.33। अंडरस्टूड, समझ में आया क्या? कि ये समझ में अच्छे से कि ये जो मास दिया था वो मास डायरेक्ट नहीं कर रहे हम लोग, ये मास एक्चुअली पूरा लगेगा, उसको पता करने के लिए हम लोग कन्फर्म किए कि भाई 65 ग्राम जिंक के लिए इतना लिब्रेट करता है, तो इतना लीटर के लिए कितना जिंक लगेगा वो लिखे, तो इससे हम लोग को मालूम पड़ा एक्चुअली जिंक कितना लग रहा है। ये जिंक इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ज्यादा दिया हुआ है, तो ये टोटल मास हो गया और ये एक्चुअल जिंक है, तो इसका परसेंट निकालेंगे तो हमको मिलेगी परसेंट प्योरिटी। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हमारा स्टोइकोमेट्रिक के जितने सॉल्व प्रॉब्लम दिए टेक्स्ट बुक में मैंने करवा दिया हूं, अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स। ओके, तो विल स्टॉप ओवर हियर। अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।